अस्सलाम वालेकुम साथियों दोस्तों, मैं शिराज खान हैदराबाद से, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक वुमेन एक्टिविस्ट। आज बड़े अफसोस के साथ देश का जो माहौल दिन ब दिन जो खराब हो रहा है, इस बीजेपी गवर्नमेंट के तहत या आरएसएस की सोच लेकर जो एनडीए गवर्नमेंट जो एक तरीके से मोदी जी की तानाशाही जो धीरे धीरे देश में बढ़ रही है, इसको खत्म करने की आज जरूरत है। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कल का जो वाकया है, कल का जो हादसा बोलो आप या जो इश्यू हुआ है, जो कि बनारस की यूनिवर्सिटी में जहां पर स्टूडेंट्स ने अपनी एक मांग को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, तो वहां पर लेडीज यानी कि गर्ल्स के साथ या वुमेन्स के साथ मारपीट का मसला है, जहां पर उन्होंने सिर्फ अपने लिए हक की मांग मांगी थी, सेफ्टी की मांग मांगी थी, और ये मांग तो हर एक सिटीजन का राइट है। तो इस तरीके का जुल्म धीरे धीरे कोई ना कोई शक्ल लेकर बीजेपी की हुकूमत में हर रियासत में या हर स्टेट में नजर आ रहा है, तो इसको मैं स्ट्रांगली कंडम करती हूँ बहैसियत एक वुमेन एक्टिविस्ट। और मैं इस वीडियो के जरिए यह मैसेज देना चाहती हूँ कि तमाम हिंदुस्तान के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स का यूनियन को या स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट को या डेमोक्रेटिक वे में वो लोग अपनी बात को जो रख रहे हैं, इसको खत्म करने का जो मंशा मोदी जी ने अपनाया है या आरएसएस या बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो अपनाया है, ये बहुत गलत है और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस वीडियो के जरिए मैं दूसरी अपील ये करना चाहती हूँ कि उन तमाम हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी से कि क्यों आप लोग एक नहीं होते, इस मोदी की सरकार को 2019 या 2020 में जहां पर कहीं पर भी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इस सरकार को गिराने की मुहिम ऑलरेडी छिड़ चुकी है, क्योंकि ये हद से ज्यादा है। अब नहीं चलेगी मोदी की तानाशाही, नहीं चलेगी योगी की तानाशाही, नहीं चलेगी बीजेपी की या आरएसएस की ये गंदी सोच को थोपने या दूसरों पर यानी के जबरन। आप अभी तक बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जेएनयू का मामला है जो कन्हैया कुमार के साथ होता है, हार्दिक पटेल यानी कि एक यूनियन के लीडर है उनके साथ ये मामला होता है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जहां पर हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये तानाशाही को खत्म करें। और दूसरी तरफ इन्होंने ये नारा बुलंद किया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी आज पढ़ लिख कर अपने हक के लिए आवाज उठाती है, अपने हक के लिए मांग करती है, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी इज्जत बचाने की लिए वो मांग करती है, उसका क्या कसूर है वहां की लड़कियों का? वहां के जो छात्र है उन्होंने 3 मांगे की थी, या कि हमारी सेफ्टी की तादाद यानी कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए यूनिवर्सिटी में, दूसरा सीसीटीवी कैमरे को लगा दिया जाए। ये चंद ऐसे बातें हैं कि वो तो हर एक नारी या हर एक स्त्री को या महिलाओं को या लड़कियों को ये मांग बहुत पहले से ही कर लेना चाहिए था। तो ये सारे जो जुमलेबाजी की जो सरकार है, एनडीए सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, ये बिल्कुल बकवास और बोगस सरकार है। लिहाजा मैं उन बनारस की यूनिवर्सिटी के वुमेन्स को यानी कि गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को मैं अपना यानी कि समर्थन देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ या हम आपके साथ हैं, आप अपने संघर्ष में लगे रहिए। जय हिंद।